मस्ती करके दुनिया को मके मरो। मरन तो पहला ऐसा मस्त होके जियो भाई, जे मौत भी आवे ना ओ कहे तो वही सी जिन्हें मरन तो पहला स्वर्ग देख रखे। सिंगर टर्न एक्टर डायरेक्टर गिप्पी गरेवाल आज हमारे साथ हैं और इस बार वो जिस टॉपिक को जिस सब्जेक्ट को आपके सामने लेके आने वाले हैं वो आपका दिल छू जाएगा। तो उन्हीं से पूछते हैं कि क्या है इस बार उनकी फिल्म का थीम। वेलकम टू फिल्मी बीट गिप्पी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और इस बार तुहाडी की अरदास है, मतलब एक बार आप अरदास कर चुके हो, अभी अरदास करा आप लेके आ रहे हो, तो की अरदास लेके आ रहे हो तुम? सो अरदास तो यही लेके आ रहे हैं जी कि अरदास हमेशा सरबत दे भले दी होती है जी, कि सब खुश रहें, सब तंदुरुस्त रहें और सब पॉजिटिव रहें। ज़िंदगी बहुत फास्ट हो गई है, हम मुझे समझ नहीं लगता कई बार कि हम किसके लिए भाग रहे हैं, साथ वाले को देख के भाग रहे हैं या हमें कोई काम है, इतना तेज़ रफ्तार है, हमारे पास ना बच्चों के लिए वक्त है ना माँ बाप के लिए वक्त है। सो वो चीज़ें सब जो डेली लाइफ में आपके साथ होती हैं, जो डेली रूटीन में आपके साथ होती हैं, वो सब इसमें टच करने की कोशिश की है। सो एक बहुत काफ़ी बड़ा डाटा हमने कलेक्ट किया था, हम जिस पे काम कर रहे थे कि दिल्ली की लाइफ कैसी है, पंजाब की लाइफ कैसी है, कनाडा की लाइफ कैसी है, वैंकूवर की लाइफ कैसी है, उसमें बहुत से इश्यूज़ ऐसे हैं जो सबके लिए कॉमन है। सो एक जनरेशन गैप कॉमन है, माँ बाप को लगता है कि हमने अपनी लाइफ में ये किया है, बच्चे हमारे ऐसे नहीं कर रहे, बच्चे ऐसे नहीं कर रहे, तो बच्चों को कुछ और लग रहा है, बच्चों को लग रहा है कि हमारे माँ बाप ओल्ड स्कूल थे, इनको समझ नहीं है, वी कैन डू दैट, ये इजीली है। सो गलत कोई भी नहीं है दोनों में से, सिर्फ क्या है कि हम दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ रहे हैं। सो हमने वो चीज़ों को दिखाने की कोशिश की है फिल्म में, छोटा छोटा उनको टच करने की कोशिश की है। और मस्ट वॉच मैं बोलूँगा ये फिल्म टीनेजर्स के लिए, यूथ के लिए, माँ बाप के लिए और दादा दादी के लिए। सो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे गलत होते हैं, तो सिर्फ ये है कि हमें एक दूसरे की समझ होनी चाहिए, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो सब टॉपिक हमने इसमें कोशिश की है और अरदास सबको खुश रखने की है। यूजुअली ऐसा है भी अभी कि आप कितना भी एडवांस हो गए लेकिन फिर भी एक बैकवर्ड कह लो कि एक सोच रह जाती है कि आप बाहर चले गए, आप कल्चर नहीं कर रहे हैं, आप बड़ों को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप बाहर चले गए, ये थोड़ा प्रेशर होता है यंगस्टर्स पे जब वो बाहर चले जाते हैं तो। बिल्कुल होता है जी, मुझे तो, और यंगस्टर का भी देखो, यंगस्टर के भी इसमें हमने काफ़ी इशूज़ टच किए हैं जो है तो डेली लाइफ के, बट सब्जेक्ट वाइज बड़े हैवी हो जाते हैं कई बार आपको, हमने उसको थोड़ा एंटरटेनमेंट वे में रखा है, क्योंकि मुझे हमेशा ऐसा लगता है जब पहली फिल्म भी आई थी कि फिल्म देखने के लिए कोई भाषण सुनने नहीं जाता, अगर आप कुछ अच्छा दिखा रहे हो, एंटरटेनिंग दिखा रहे हो और उसमें कुछ अच्छी चीज़ कह जाओ ना, वो पंच होता है ना, वो इम्पैक्ट होता है। सो वी आर ट्राइंग टू डू दैट कि हम कुछ ऐसा लेके आए। सो इसमें सब वैसी चीज़ें हैं, यूथ मेरा करैक्टर इसमें सहज का करैक्टर है, जो आज की जनरेशन का लड़का है जिसको लगता है कि मैं कनाडा अमेरिका चला जाऊंगा, शायद दरख्तों को पैसे लगते हैं, शॉर्टकट में रातों रात मैं पैसा कमा लूँगा, मैं ये कर दूँगा, मैं प्लानिंग कर लूँगा, मैं स्कीम बना लूँगा। तो मैरिड है, शादी करके बाहर गया है, वाइफ की फीलिंग्स की भी उसको बहुत ज़्यादा कदर नहीं है, माँ बाप की भी नहीं सुन रहा, माँ उसकी बोलती है कि ऐसा है वैसा है, नहीं तो देखना मैं ये कर दूँगा वो कर दूँगा, उनका क्या फ्यूचर है, उनको कैसे देखना चाहिए। सो मुझे लगता है कि भगवान ने हर किसी के लिए एक रास्ता बनाया होता है, हमें वो रास्ता तय करके ही जाना पड़ता है, ये नहीं है कि हम उसको अवॉइड करके चला जाए। आजकल जो इंसान है वो इतना आगे निकल चुका है कि वो कुदरत, जो परमात्मा ने चीज़ें बनाई हैं, उनसे भी आगे निकल गया है। मरना जो है सुइसाइड, मतलब मरना जो था वो भगवान के हाथ में था कि किसने मरना है, तो उसने अपने हाथ में ले लिया है, जब जिसका दिल करता है कि मैं सुइसाइड कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, अपनी समस्या, मतलब वो सब चीज़ें हैं। पुरानी फिल्म में भी ऐसे सब्जेक्ट हमने टच किए थे, हमने इसमें भी डिफरेंट वे से चीज़ें छुई हैं, बट इसमें और इशू है। ओके, तो अभी कोई और अरदास ऐसी बची है आपकी जो अभी पूरी होनी हो? देखो बहुत सी चीज़ें हैं जी जो अभी पूरी होने वाली हैं। वैसे मैं अपनी लाइफ से बहुत खुश हूँ, मैंने कभी सोचा नहीं था जो भगवान ने मुझे दिया, मैं जहाँ तक पहुँचा, मेरे ये ड्रीम्स थे नहीं, मतलब ड्रीम बहुत छोटे थे जो बहुत पहले भगवान ने पूरे कर दिए, एंड आई एम सो हैप्पी इन माय लाइफ। तो अरदास मैं इसलिए बनाता हूँ, काफ़ी चीज़ें मेरी लाइफ में चेंज हुई, जब मैं डेली सोचता हूँ, अच्छे लोगों की बातें सुनता हूँ, तो मुझे लगता है यार मेरे को ये करनी चाहिए, तो जब मैंने वो चीज़ें की तो मेरी लाइफ में बड़ा चेंज आया, मेरी लाइफ बड़ी स्मूथ हुई, बड़ी एफर्टलेस, मैं बड़ा खुश रहने लग गया। तो मैं चाहता हूँ कि वो सब चीज़ें लोगों में भी हों, अच्छी चीज़ें बनाएं, अच्छी चीज़ें डेवलप करें। और बाकी ऐसे तो बहुत सी विशेज़ हैं,
हम चाहते हैं कि पंजाबी इंडस्ट्री बहुत ग्रो करे, हमारी पंजाबी फिल्में 100-200 करोड़ करें बिजनेस, वेब सीरीज़ बनानी है, अच्छी बनाएं, बहुत सॉलिड बनाएं, जैसे हिंदी बनने लगी हैं या इंग्लिश बन रही हैं हम भी बनाएं। तेरे रंग निहारे दातिया, तेरे रंग निहार